हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था डायनोफ्लेजलेट्स तक। पहले मुझे ये बताइए, आपको जो ये डायनोफ्लेजलेट्स वाली स्क्रीन है, ये आपके टोटल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है या कुछ और भी दिखाई दे रहा है इसके अलावा, लाइक ब्लैक इस कुछ भी, या सिर्फ ये डायनोफ्लेजलेट्स ही दिख रहा है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ, ये बताओ आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सिर्फ ये कल वाली स्लाइड, सिर्फ स्लाइड ही दिख रही है व्हाइट कलर की, या स्लाइड नंबर भी कुछ दिख रहा है, जैसे स्लाइड नंबर 9, 16 ऐसा कुछ दिख रहा है? बताइए मुझे, कंफर्म कीजिए एक बार। सर स्लाइड ही दिख रही है। सिर्फ स्लाइड दिखे ना, ओके ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे डायनोफ्लेजेलेट्स तक, एंड आई होप आप सभी को पता हो डायनोफ्लेजेलेट्स को डायनोफ्लेजेलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं और ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ये मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के तीन टाइप थे जो कि मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। पहला था डायनोफ्लेजेलेट्स, और उसके बाद था क्राइसोफाइट्स, और उसके बाद है युगलिनोइड्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्राइसोफाइट्स और युगलिनोइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे से एग्जांपल से। सो सबसे पहला एग्जांपल है नेविक्यूला, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, रियल डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद है एम्फीप्लूरा एंड देन सिम्बेला, ठीक है। ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं क्राइसोफाइट्स के, ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अब। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे देंगे जो इनका यूनिक होगा, और फिर एग्जाम्पल दे देंगे कि बताओ इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टर शो करता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स के हैबिटेट से। तो देखिए, ये सभी एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, और कुछ मॉइस्ट टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं। देखिए, हैबिटेट मतलब रहने की जगह दो ही तरह की होगी, या तो कोई पानी में रहेगा या फिर जमीन पर रहेगा। लेकिन अगर ये जमीन पर भी मिल रहे हैं तो जमीन भी ऐसी होगी मॉइस्ट, मॉइस्ट जमीन होगी, मतलब गीली जमीन होगी वहां पे, ठीक है। इसके बाद चलो आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका बॉडी का, वहां अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यूनिसेलुलर है, ये आप जानते हैं, सभी प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ वो यूकैरियोटिक होंगे, जबकि जो मैंने आपको मोनारा किंगडम पढ़ाया था, मोनारा किंगडम वाले सभी जीव आपके यूनिसेलुलर के साथ साथ प्रोकैरियोटिक थे, और ये हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बस रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद, हाँ जी, इसके जो सेल है, सेल, ठीक है ना, उसकी सेल को हम फेशल बोलते हैं, और इसकी सेल के पास एक शेल भी मिलता है जो कि सिलीसियस होता है। सिलीसियस मीन्स सिलीका का बना हुआ, सिलीका, सिलीका मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है, सिलिका का बना हुआ। अब ये मत बोलना कि सर हम भी तो मिट्टी के बने हुए हैं। देखिए, बस सुनिए बात को ध्यान से अभी आगे, ठीक है। सिलीसियस है मतलब मिट्टी से बनी हुई है इसकी सेल वॉल, ठीक है, और पैटर्न्ड सेल वॉल है, मतलब सेल वॉल में थीका है, और थीका में दो कंपोनेंट है, एक तो है एपिथीका, एक है हाइपोथीका। ऐसे थ्योरी समझ में नहीं आएगा, आप लोग डायग्राम देखिए। देखिए, ये जो इस तरह की सेल वॉल होती है इसको फ्रेशल बोलते हैं, ठीक ना, पैटर्न है, सिलीसियस है, मिट्टी से बना हुआ है। और डिटेल में जानिए, देखो ये है एक कंप्लीट फ्रेशल, और इसके दो हिस्से हैं, एपिथीका और हाइपोथीका। जैसे आपने सोप बॉक्स देखा होगा, सोप बॉक्स साबुन रखते हैं, जिसमें इसका एक नीचे वाला हिस्सा होता है और एक ढक्कन होता है, ठीक है। तो इसको आप एपिथीका मान लीजिए और नीचे वाले को आप हाइपोथीका मान लीजिए, ये इतना आसान है। और बीच में पोरस है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो, पोर बने हुए हैं बीच में, ठीक है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी को दिखाऊं, अब देखिए यहाँ पोर्स आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर, तो ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या मिल रहा है, यहाँ पे थीटा भी देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। इसके दो तरह के फ्रेशर्स मिल सकते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये सर्कुलर टाइप का है, या तो ये सर्कुलर टाइप का दिखेगा, ठीक है, सर्कुलर जिसको सेंट्रिक बोलेंगे, या फिर ये रेक्टेंगुलर भी दिख सकता है। रेक्टेंगुलर टाइप के फ्रेशर को हम पिन्नेट बोलते हैं, जो कि एकदम सोप बॉक्स की तरह दिखेगा। सोप बॉक्स रेक्टेंगुलर दिखता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और सर्कुलर वाले को हम सेंट्रिक फ्रेशर बोलेंगे, और रेक्टेंगुलर वाले को पिन्नेट फ्रेशर बोलेंगे। तो ये थे इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, इस ग्रुप के जीवों को हम बोलते हैं यहां पे मैं लिखा हुआ है, जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को हम डाई एटम्स बोलते हैं, या फिर इनको गोल्डन एल्गी भी बोल सकते हो, या फिर इनको डैसमिड्स भी बोल सकते हो। आपसे कोई कुछ भी पूछे कि डाई एटम्स क्या होते हैं, या फिर गोल्डन एल्गी क्या होती है, या फिर डैसमिड्स क्या होते हैं, तो आपको बता देना है, क्राइसोफाइट्स होते हैं। मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था रे फंजाई। रे फंजाई एक फंजाई नहीं है, रे फंजाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको। ऐसे ही गोल्डन एल्गी एल्गी नहीं है, गोल्डन एल्गी एल्गी नहीं है, गोल्डन एल्गी एक प्रोटिस्टा है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बस यही ट्रिक्स हैं इन सब्जेक्ट को पढ़ने की, ठीक है। अच्छा, ओशियंस के अंदर जो महासागर होते हैं उसके अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो जो चीफ प्रोड्यूसर है ओशियंस के अंदर, वो क्राइसोफाइट्स ही हैं, ठीक है ना, वो क्राइसोफाइट्स ही हैं। आपको ये बात याद रखनी है। क्राइसोफाइट्स के बाद आगे चलते हैं, इसके और फीचर्स को हम जानते हैं। तो इसके और फीचर्स लाइक हम जानेंगे अब लोकोमोशन के बारे में, कि ये लोकोमोशन कैसे करता है। एंड आई होप आपको पता होगा लोकोमोशन क्या होता है, चेंज इन पोजिशन, ठीक है ना। तो इनके पास देखो फ्लैजिला नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं करेंगे, ये पैसिवली फ्लोट करेंगे। पैसिवली फ्लोट का मतलब है, समझा देते हैं। हाँ जी, पानी का बहाव मान के चलो इधर डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में है पानी का बहाव, ठीक है। तो जो ये जीव होगा, अरे यहाँ पे कोई पड़ा है आपका क्राइसोफाइट, तो वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा पैसिवली। इस तरह की मोशन को हम पैसिव बोले, क्योंकि इसमें इसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। तो जितनी पैसिव चीजें हैं उसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, और जितनी भी एक्टिव प्रोसेस होती हैं उन सब में एनर्जी लगती है। तो बायोलॉजी में दो वर्ड आएंगे, एक्टिव और पैसिव, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में एनर्जी लगाई जाती है, ये बात याद रखिए, और एक्टिव में एनर्जी, एक और चीज याद रखना, एक्टिव हमेशा अगेंस्ट ग्रेडियंट होगा। एक्टिव जो होगा वो अगेंस्ट ग्रेडियंट होगा। अगेंस्ट ग्रेडियंट का मतलब है, अगर पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाँ जी, अगर पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है और हमें जाना है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो ये एक्टिव प्रोसेस होगी, और इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोसेस में क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, समझ गए। पैसिव प्रोसेस विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ये क्या होती है, विद ग्रेडियंट, मतलब जहां बहाव होगा उसी के साथ ये मोशन होगी। तो इसमें तो एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर एनर्जी लगाओगे तो हाँ ये और हो सकता है कि आपकी स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन
आपको इस डायरेक्शन में अगर जाना है तो उसके लिए आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सभी प्रोसेस को हम पैसिव बोलेंगे, और एक्टिव वो होंगे जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सुन मैं एक्टिव पैसिव बताइए। ओके तो ये ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आपको वैसे समझ में आ गया होगा, मैं ये सब इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ जी, इसके बाद अब देखो, इनके पास फ्लैजिला तो होता नहीं है, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स के पास अपना फ्लैजिला था। डायनोफ्लैजिलेट्स अपनी मर्जी से मूव कर सकते थे, ये अपनी मर्जी से मूव नहीं करेंगे। ये कैसे मूव करेंगे? पैसिवली मूव करेंगे, या फिर ये ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ग्लाइडिंग साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग के द्वारा, मतलब साइटोप्लाज्म जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे कि साइटोप्लाज्म अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अंदर से, तो इनकी भी एक्चुअल मोशन बाहर की तरफ इधर डायरेक्शन में ही होगी। तो ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है तो सभी जानते होंगे। लोकमोशन के बाद बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसका सेकंड है क्राइसोफाइट्स। तो ये फोटोसिंथेटिक हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, और ज़ैंथोफिल मिल रहा है। ज़ैंथोफिल में जो इसके अंदर मिल रहा है वो है फूकोज़ैंथिन, ठीक है ना, याद रखना। क्लोरोफिल ए तो सभी के अंदर हमने देखा है, आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको फोकस करना है एक तो क्लोरोफिल सी है या बी है, और ज़ैंथोफिल कौन सा वाला है, इसके अंदर है ज़ैंथोफिल फूकोज़ैंथिन, ठीक है ना। ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स, मतलब पिगमेंट्स काम ही क्या करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, एक तो लाइट एनर्जी को ट्रैक करके रखते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं, दूसरा ये कलर भी देते हैं, ठीक है। इनका जो रिजर्व फूड है वो है ऑयल, या फिर एक और है इसके अंदर जो कि है क्राइसोलेमिनेरिन, क्राइसोलेमिनेरिन आप इसको ल्यूकोसिन भी बोल सकते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो इस तरह से आप बोल सकते हैं, बीटा 13 ग्लूकन, ठीक है। जितनी भी नॉलेज मुझे मिल चुकी है, मैं 4-5 किताबों से आपकी पीपीटी तैयार करके देता हूं, तो आप बस इन्हीं को पढ़ें, आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए मेहनत करके बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बस यही पढ़ना है, रिजर्व फूड गैस का ऑयल है, और एक और सबस्टांस है क्राइसोलेमिनेरिन, आप इसको ल्यूकोसिन भी बोल सकते हैं, और केमिकल नेम्स का क्या है, बीटा 13 ग्लूकन, आई होप आप इसको याद रखेंगे। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन करता है एरोबिक, एंड यू ऑल नो अबाउट दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि उसी की तरह जैसा दिखेगा, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका सेल साइज रिड्यूस हो जाता है, याद रखना। जब एक बड़ी सेल दो छोटी छोटी सेल्स में टूटेगा तो उसका सेल साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसकी बॉडी में एक और टाइप का प्रोडक्शन मिलता है ऑक्सोस्पोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑक्सोस्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, तो इसकी बॉडी में ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं, जिसको कि आप रीइंस्टीट्यूशन स्पोर्स बोल सकते हैं। रीइंस्टीट्यूशन स्पोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जिसका साइज रिड्यूस हो गया है वापस से इसके ओरिजिनल साइज में लाने में मदद करता है ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे करता है ये, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर तीनों तरह से होने मतलब देखने को मिल रहा है, तो वो है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। सुनिए क्या क्या होता है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी वो होते हैं जिसमें आप मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एकदम सिमिलर रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, मतलब दिखने में एकदम आपको एक जैसे लगेंगे, मेल गैमेट भी एकदम उसी शक्ल का और फीमेल गैमेट भी उसी शक्ल का, तो यहाँ पे ये सिमिलर रहेंगे। एनाइसोगैमी में मेल गैमेट जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा फीमेल गैमेट के, मेल गैमेट इसमें नॉर्मली स्मॉल मिलता है और फीमेल गैमेट इसमें नॉर्मली लार्ज मिलता है। ऊगैमी भी एक तरह से एनाइसोगैमी ही है, यहाँ पे जो ओवम है फीमेल गैमेट को ओवम बोल रहे हैं और वो बड़े साइज का मिलता है, ठीक है, बहुत बड़े साइज का होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, ठीक है, और इसमें उसको हम स्पर्म बोलते हैं, बस इतना है। हाँ जी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बाद इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स की। तो देखिए इसके बॉडी पे एक इंडेस्ट्रिक्टिबल सिलिका वॉल मिल रही है। अब देखिए
अगर ये प्रोटिस्टा मर भी जाए तब भी जो, अच्छा डिकम्पोजर जानते हो आप सभी, डिकम्पोजर्स आप सभी जानते हो व्हाट आर डिकम्पोजर्स? हाँ, क्या करते हैं डिकम्पोजर्स? बैड ऑफ डिके को डिकम्पोज करते हैं। हाँ मतलब अगर, हाँ अगर अगर ये प्रोटिस्टा मर जाए तो डिकम्पोजर्स इस डेड प्रोटिस्टा की, मैंने डी प्रोटिस्टा लिख दिया ठीक है ना, डेड प्रोटिस्टा की, डेड प्रोटिस्टा को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? डिकम्पोज कर देंगे। एक चीज को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट इट्स वॉल, जो इसकी वॉल है इसको छोड़कर। वॉल किससे बनी हुई है? इसकी सिलिका से। इसकी वॉल को छोड़कर इस डेड प्रोटिस्टा को कंप्लीट डिकम्पोज कर देंगे। सिर्फ किसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे? इसकी वॉल को। इसलिए मैंने यहां पे ये वर्ड यूज किया इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। तो इंडेस्ट्रक्टिबल सिलिका मिलता है वॉल, जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी होता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है एक डाई एटोमेसियस अर्थ बनाने में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता है डाई एटोमेसियस अर्थ क्या होता है। आप इस डाई एटोमेसियस अर्थ को डाई एटोमाइट भी बोल सकते हैं। डाई एटोमेसियस अर्थ को आप क्या बोल सकते हो? डाई एटोमाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। और आप इसको एक और नाम और है किसलगुर, आप इसको ये भी बोल सकते हो। मैं दिखा देता हूं तुम्हें इस डाई एटोमेसियस अर्थ का यूज क्या है। देख पा रहे हो डायग्राम? देख पा रहे हो व्हाइटिश कलर का? देख पा रहे हो ये जो इसमें व्हाइटिश कलर का कंपोनेंट है, ये जो व्हाइट व्हाइट सा कंपोनेंट है, ये ही डाई एटोमेसियस अर्थ से लिया गया है। अब डाई एटोमेसियस अर्थ हमें दिखेंगे कहां? देखिए मैंने आपको बताया ये ओशियंस में मिलते हैं, ठीक है। तो ओशियंस में होता क्या है, ओशियंस में ये जब मर जाते हैं तो आपको कहीं कहीं पे ओशियंस के साइड में या फिर बीच में कोई टापू वगैरह है, आपको वहां पे व्हाइटिश कलर का, मतलब कहीं पे ये व्हाइटिश कलर के आपको इनके बहुत बड़े बड़े से पत्थर दिख जाएंगे। तो वो इन डाई एटम्स से ही बने होते हैं, ठीक है ना। जब डाई एटम्स मर जाते हैं तो उनकी वॉल से बने हुए होते हैं ये, तो इसी को हम बोलते हैं डाई एटोमेसियस अर्थ, ठीक है ना, डाई एटोमेसियस अर्थ बोलते हैं हम इसको। और ये बिकता भी है, आप अमेजन से खरीद सकते हो इसको, इससे ना फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, बिकते भी हैं ये, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, इनको हम ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ये बात भी आप याद रखिए। ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम किनको बोला जाता है, जबकि ये प्लांट किंगडम में नहीं आ रहे। मैं अगेन आपको रिमाइंड कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे जीव को जो कि कहला रहा है ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी वगैरह है ना, ज्वेलरी को हम शॉर्ट में ज्वेल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, और ऐसा बोलते क्यों है, इनकी पैटर्नड सेल वॉल की वजह से, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो पैटर्नड है, ठीक है। आपने देखा होगा, देखो अभी दिखाते हैं, ये रहा ना पैटर्नड सेल वॉल है इसकी, आप यहाँ देख सकते हो कैसे पैटर्नड सेल वॉल है, क्लियर है, दिख रहा है आपको इसकी सेल वॉल? यस सर। हाँ जी, चलो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं यूग्लिनोफाइट्स की। आज हमने देखो क्या पढ़ लिया है, आज हमने क्राइसोफाइट्स क्लियर कर लिए हैं, अब हम बात कर रहे हैं यूग्लिनोफाइट्स की, ठीक है। तो यूग्लिनोफाइट्स के बारे में बता देता हूं, पहले तो उसके एग्जांपल्स और उनकी शक्ल देख लेते हैं। तो यूग्लिना, सबसे पहले आप यूग्लिना को देखिए, ये है यूग्लिना, ठीक है, इसका ओरिजिनल डायग्राम, बाकी के ओरिजिनल डायग्राम मिले नहीं तो देखते हैं। हाँ जी, फिर है पैरानीमा, और फिर है एस्टेसिया,
ठीक है, तो ये सभी एक जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब यूलिना जैसे दिख रहे हैं, यूलिना की तरह ही दिख रहे हैं सभी, चाहे वो पैरानीमा हो चाहे एस्टेसिया हो, इसलिए इन सभी को हम यूग्लिनोइड बोल सकते हैं, मतलब यूग्लिना जैसे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। देखिए मैं ओशियन नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ्रेश वाटर बोल रहा हूँ, ओशियन का पानी मैरीन होता है, ठीक है ना, ये फ्रेश वाटर है। और या फिर ये मिल सकता है डैम्प सॉइल में, या फिर ये मिल सकता है ब्रैकिश वाटर में। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है, देखो एक आपका ग्राउंड वाटर होगा, ठीक है, उसके नीचे और जाके कहीं एक हरे रंग का सा पानी मिलेगा, बहुत गंदा सा पानी, ठीक है, लेकिन वो सॉल्टी नहीं है, उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। और ऊपर में कौन सा है, फ्रेश वाटर है, तो ब्रैकिश वाटर वो हरा हरा सा पानी होता है, आपने देखा होगा भी जिंदगी में हरा सा पानी, नहीं देखा। यस सर, नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप इसको याद रखना, ब्रैकिश वाटर ग्रीनिश होता है, गंदा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी को हम जानेंगे, तो ये यूकेरियोटिक होते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, तो यूग्लिनोफाइट्स के पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल के बजाय इनके शरीर में क्या मिलता है, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन से बनी हुई लेयर मिलती है, जिसको कि हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो इसके ऊपर में पेलिकल्स की एक लेयर मिलेगी जो कि फ्लेक्सिबल होगी, और वो प्रोटीन से बनी हुई होगी, तो उसके बॉडी के ऊपर इस तरह से पेलिकल्स देखने को मिल जाएंगे, ये फ्लेक्सिबल लेयर होती है, ठीक है ना, ये क्या है, ये है पेलिकल। समझ में आ रहा है, पेलिकल क्या है, एक फ्लेक्सिबल लेयर है, और किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है ना, प्रोटीन से। तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, मैं पूछ सकता हूं कभी भी। और सिलिका से बनी हुई सेल वॉल किसके अंदर मिलती है, आपको वही बताना है, वो डाई एटम्स के अंदर मिलती है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद आई स्पॉट, मैंने आपको बताया था आई स्पॉट क्या होता है, आई स्पॉट आई नहीं है, यहां पर पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देखने को कौन सा पिगमेंट मिल रहा है, एस्टाजेंथिन, याद रखना पिगमेंट्स के नेम, पिगमेंट्स के नेम अलग अलग डिवीजन में हमने अलग अलग पढ़े हैं, तो आपको भी याद रखना है यहाँ पे कौन सा पिगमेंट है, ये है एस्टाजेंथिन, जो कि सिर्फ यूग्लिनॉइड्स में देखने को मिल रहा है और कुछ क्रस्टेशियंस में देखने को मिल रहा है। अब ये क्रस्टेशिया क्या होते हैं, आपने देखे होंगे झींगा वगैरह देखे होंगे, प्रॉन वगैरह देखे होंगे, वो सब क्रस्टेशियंस में आते हैं, वो मैं तुम्हें एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, क्रस्टेशिया एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे, ये एक एनिमल है, ठीक है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है प्रोटिस्टा का, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एस्टाजेंथिन मिलता किस किस में है, तो ये यूग्लिनॉइड से मिलेगा और क्रस्टेशिया मिलेगा सिर्फ, ठीक है ना। और इसके ऊपर पैराफ्लेजिलर बॉडी बॉडी होती है, पैराफ्लेजिलर बॉडी, ठीक है ना, इसकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिलस हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद, हाँ जी, लोकोमोशन कैसे करता है ये, तो देखिए इसका जो लोकोमोशन है वो उसके अंदर एक ही फ्लैजिला फंक्शन होता है दो फ्लैजिला में से, ठीक है ना, कुछ के अंदर दो फ्लैजिला के साथ फंक्शन देखने को मिल जाता है, समझ गए, लेकिन आप याद रखें यहाँ दो फ्लैजिला में से नॉर्मली एक फ्लैजिला क्या होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है ना, एक काम करता है और एक फंक्शनल नहीं होता है नॉर्मल केस में, तो इसलिए मैंने लिखा है वन और टू, किसी में तो नॉर्मली तो एक ही फ्लैजिला काम करता है और दूसरा काम नहीं करता, लेकिन किसी किसी में दोनों फ्लैजिला भी काम कर जाते हैं, और ये क्रीपिंग मूवमेंट भी शो करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट जिसको कि मेटाबॉली बोल देते हैं या फिर यूग्लिनॉइड मूवमेंट बोल देते हैं। अरे ये क्या हो गया, हाँ जी, इनको या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यूग्लिनॉइड मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता कैसा है, तो देखिए आप
आप देख पा रहे हैं इग्लू ना मुंह में कैसा है? क्लियर है? नहीं है? देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे ये बताओ। यस यस। तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है, इसको हम क्रीपिंग मूवमेंट बोलते हैं, समझ गए? आगे चले अब। तो ये जो इसकी मूवमेंट आप देख पा रहे हो, देखो इस तरह से कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये है क्रीपिंग मूवमेंट। एक्चुअल में आप यहाँ देख सकते हो, देखो साइटोप्लाज्म आगे धकेलता है इसको और फिर ये अपनी बॉडी को आगे चलाता है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं, यूग्लिनोफाइट्स हो चुके हैं। इसके बाद इसके और कैरेक्टर्स हमें जानने हैं जो कि आपका न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक है। अगेन देखो फोटोसिंथेटिक तो हमने सभी में लिखा है, और जब मैं फोटोसिंथेटिक बोल रहा हूंगा, फोटोसिंथेटिक मतलब ये सभी ऑटोट्रॉफ है, ठीक है ना? अब कभी कभी सेप्रोबिक भी देखने को मिलता है और होलोट्रॉफिक भी और मिक्सोट्रॉफिक भी। मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है? जब सनलाइट आ रही होगी तब तो ये ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करेगा, और जब सनलाइट नहीं आएगी तब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तब ये उनको पकड़ेगा, किसी छोटे अपने से छोटे जीवों को पकड़ेगा और खा जाएगा। मतलब वो क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया है, समझे ना? वो क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया है। तो दोनों तरह का, क्योंकि ये न्यूट्रिशन शो कर रहा है इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक बोल रहे हैं। तो मिक्सोट्रॉफिक क्या आपको पता होना चाहिए, सेप्रोबिक क्या आपको पता है, होलोट्रॉफिक क्या कल बताया था, फोटोसिंथेटिक क्या ये भी मैंने बताया था, ठीक है? अब फोटोसिंथेटिक जो इनके अंदर देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल ए बी, मतलब ये जो पिगमेंट है एकदम ऐसे पिगमेंट है जो हायर प्लांट में देखने को मिलते हैं, हायर प्लांट में, मतलब जो आज के एडवांस प्लांट है उनके अंदर जो पिगमेंट हमें दिख रहे हैं, सेम वही पिगमेंट हमें इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो रिजर्व फूड है वो है पैरामाइलोन या फिर पैरामाइलम बॉडीज। आपको याद रखना पैरामाइलोन क्या होता है, फिर पैरामाइलम बॉडीज क्या होती है, ये रिजर्व फूड होते हैं किसके, यूग्लिनोफाइट्स के। हम फूड को कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम लोग ह्यूमन फूड को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, हम फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ स्टोर करते हैं, लिवर में स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारे साथ ही कई बार ऐसा होता है, हमें भूख लग रही है, फिर कुछ देर बाद भूख मिट जाती है, अपने आप ही भूख खत्म हो जाती है थोड़ी देर बाद, क्योंकि तब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये भी रिजर्व फूड रखते हैं अपने पास। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन है इसका एरोबिक, और रिप्रोडक्शन कैसे कैसे कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन ये सेल डिवीजन से कर रहा है। मतलब आप खुद देखें, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी जो डिवाइड करती है, उसकी जो सेल डिवाइड करती है, उसी को हम मोड ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं। तो या तो आप इसको सेल डिवीजन बोल दो या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है? इसके बाद आगे बात करते हैं। सेक्सुअल इनके अंदर अभी तक देखा नहीं गया है, डेफिनेटली उसको प्रूव नहीं किया गया अभी तक। अब डिस्टिंक्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो डिस्टिंक्ट फीचर इसके अंदर देखो, ये प्लांट लाइक एनिमल्स है। अगर आपसे कोई पूछे प्लांट लाइक एनिमल्स कौन से होते हैं, मतलब पौधे जैसे एनिमल्स कौन से हैं, तो वो यूग्लिनोफाइट्स हैं। और ये क्योंकि अपने कैरेक्टर को रिजेंबल करते हैं दोनों के साथ में ही, प्लांट के साथ इनसे कैरेक्टर मैच करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, और एनिमल के साथ इसके कैरेक्टर मैच करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। एनिमल के पास भी क्या नहीं मिलता है, सेल वॉल नहीं मिलता है, तो इसके पास भी सेल वॉल नहीं है, तो ये दोनों के साथ ही मैच करता है। पहले हम कंफ्यूज थे कि यूग्लिना को रखें कहाँ पे, प्लांट में रखें या एनिमल में रखें, फिर अब फैसला लिया गया कि इसको कहीं नहीं, इसको यहाँ रखते हैं प्रोटिस्टा में, क्योंकि प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो बाकी सभी किंगडम के बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है, जबकि प्रोटिस्टा के जो जीव है, इसके जो कैरेक्टर है, वो बाकी सभी किंगडम के ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी? बताई थी नहीं बताई थी? अरे कैसे सो जाते हो भाई, क्लास ला के भाग गए क्या? Yes. भाग गए क्लास? अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो फोटोसिंथेटिक यूग्लिनोइड्स आर एडवांस देन फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़े थे मॉडर्न किंगडम में, उससे ज्यादा एडवांस होता है इनका फोटोसिंथेसिस का मोड, ठीक है? आपको याद रखना है। और
इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है और क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर हमें पिगमेंट देखने को मिलेंगे क्लोरोफिल ए बी और जेंथोफिल। जेंथोफिल भी कौन सा वाला, जी या जेंथिन, याद रखना है। इसके बाद इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मिलता है जो कि इनको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, अपनी बॉडी में बैलेंस बनाना होता है आयंस का, ठीक है ना, आयंस का बैलेंस बनाना होता है, और वो बैलेंस बनता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। इस तरह के रेगुलेशन को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये बात मैं तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल यहीं तक हमें जानना था और ये क्लास आपकी ओवर हो चुकी है। कल हम पढ़ेंगे स्लाइम माउल्स, ठीक है, बाकी ये क्लास हम यही ओवर कर देते। अब बताइए भाई, ये हमारे बहुत दिन में आया है, क्यों भाई कहाँ चला गया था भाई? तो हाँ जी पूछिए, क्वेश्चन पूछो।